तो बस ये कहना चाहूंगा कि अनुपमा जो चाहती है वही होगा। मुझे हमारे प्यार की कसम, आपकी इस चिता की राख की कसम, मैं तुम्हारी मौत का बदला लेकर रहूंगी। इंद्रजीत, आज एक पत्नी ने प्रण लिया है, इस प्रण के तेज और शक्ति से अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा पाएगा। कसम को पूरा करके रहूंगी। आ रहा हूँ सुठा, बस पहुंच रहा हूँ। हाँ हाँ, पद्मिनी 3 दिनों के लिए अपने मायके गई है, 3 दिनों तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। ओके बाय। साहब जी, इतनी रात को कौन है? जाओ देखो सर। मैं देखता हूँ। इस वक्त कौन है भाई? आता हूं भाई, आता हूं। बड़ी बंगरानी, आप इस वक्त? इंद्रजीत कहाँ है? वो रूम में है। इंद्रजीत से कहो कि अनुपमा मिलने आई है।
लीजिए। तुमने जो किया वो ठीक नहीं किया। चैतन्य आएगा, अपना बदला लेने के लिए चैतन्य आएगा, तुमसे अपना बदला लेने के लिए चैतन्य आएगा। भाभी जी, नहीं, चैतन्य अब कभी वापस नहीं आएगा। चैतन्य आएगा, अपना बदला लेने के लिए चैतन्य आएगा। अब ये जिद छोड़ दो, चैतन्य कभी नहीं आएगा, मैंने तुम्हें कहा ना। भूल जाओ उस चैतन्य को, अब तो तुम हो, मैं हूं और हमारी ये जिंदगी है। बहुत खुश रखूंगा मैं तुम्हें। मेरे पास आ जाओ अनुपमा, मेरे पास आ जाओ। बहुत खुश रखूंगा। मैंने कहा ना चैतन्य वापस आएगा। चैतन्य यही है। वो देखो, दिखाई दिया चैतन्य। वो देखो, देखो चैतन्य, चैतन्य आ गया। वो देखो, कहां जा रही तुम? मैंने कहा रुक जाओ, चैतन्य वापस नहीं आएगा। देखो देखो चैतन्य आया। देखा तुमने चैतन्य को? देखो चैतन्य आ गया, दिखाई दे रहा है ना तुम्हें? देखो देखो ना। अनुपमा ये सब छोड़ो और वापस आ जाओ। तुमने देखा चैतन्य आ गया? वो देखो चैतन्य, कहा था ना वो वापस आएगा। मैंने तुम्हें कहा कि चैतन्य वापस नहीं आएगा, तुम्हें बात समझ में नहीं आती क्या? मैं जानती हूं वो आएगा। चैतन्य वापस आएगा, चैतन्य आएगा, चैतन्य आएगा तुमसे अपना बदला लेने के लिए। नहीं आएगा चैतन्य वापस। मैंने उसे देखा है, चैतन्य वापस नहीं आएगा। चैतन्य वापस तुमसे अपना बदला लेने को। मैंने कहा चैतन्य वापस नहीं आएगा। मैं मारा उसे, कैसे वापस आ सकता हूँ? नहीं आएगा। Thank you.
जानती हूँ कि माँ और चैतन्य को तुमने मारा है, पर अब ये बात पूरी दुनिया जानेगी। ये सब क्या है? You are under arrest. मैंने बुलाया है पुलिस को। ये सब क्या है? ये क्या बकवास इंस्पेक्टर? ये औरत पागल हो गई, बकवास कर रही है। मैंने किसी को नहीं मारा इंस्पेक्टर। हमारे पास आपके खिलाफ सबूत है। अरे मैंने, आपने खुद अपना जुर्म कबूल किया है। तुम्हारे पाप का घड़ा अब भर चुका है, अब तुम अपनी पूरी जिंदगी सनाखों के पीछे गुजारोगे। माँ, वो मैं एक्चुअली अनु से पूछ रहा था कि आप झूले ठीक से सजे हैं कि नहीं। ओ, लेकिन झूला तो वहाँ है ना। माँ एक मिनट, मैं आता हूँ। ये हमारी पुश्तैनी हवेली है। Thank you.
अनुपमा, 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 किचन में नहीं है, रूम में नहीं है, कहाँ गई है मनहूस? रास्ते प्यार के जगमगाते रहे, कभी आए जो अंधेरा, कभी आए जो अंधेरा, मैं चराग दिल जला दूं, नया आसमां बना के, नया आसमां बना के तुझे चांद सा सजा दूं। सब ठीक तो है ना? तुम लोग इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? जी वो बड़ी वड्डी परेशानी खड़ी हो गई है दामाद जी। अनुपमा पुत्र पता नहीं कहाँ चली गई है, अपने कमरे में ही नहीं है। पता कहाँ चली गई थी तुम?
चैतन्य की अस्थियों को विसर्जित करने गई थी।